नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि का किन किन राशियों के साथ में बकुट दोष बनता है और जिनके साथ बकुट दोष बनता है उन राशियों के व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ विवाह करना शुभ नहीं रहता है। तो कौन कौन सी राशियां हैं जिन जातकों के साथ धनु राशि के जातक का विवाह करना शुभ रहता है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मित्रों, आपकी धनु राशि है तो इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे और पहले भाव में 9 नंबर यानी धनु राशि 9 नंबर होती है तो यहाँ पर 9 नंबर आप लिख लेंगे। फिर 10 नंबर यानी मकर राशि, फिर तीसरे भाव में कुंभ राशि, यहाँ पर मीन राशि, फिर 1 नंबर मेष राशि, फिर 2-3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस तरह से आप 12 राशियों को रख देंगे। अब मित्रों, इस तरह से चार्ट बनाने के बाद में हम देखेंगे कि इस राशि का स्वामी कौन है। तो इस राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह की जिन राशियों के साथ में, जिन ग्रहों के साथ में शत्रुता होती है, उन ग्रहों की जो राशियां होती हैं उनके साथ आपका विवाह, उन राशि वालों के साथ में आपका विवाह जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। तो धनु राशि वालों के लिए यानी धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह और गुरु की शत्रुता जो है बुध और शुक्र के साथ में है। तो बुध की राशि कौन कौन सी है? कन्या राशि और मिथुन राशि। तो ये जो है बुध की राशियां हैं, तो ये धनु राशि वालों के लिए ये दो राशियां जो है मिथुन और कन्या राशि ये शुभ नहीं है। इसके बाद में बात करें शुक्र की राशियां, शुक्र की कौन कौन सी राशियां हैं? तो 2 नंबर और 7 नंबर ये जो है शुक्र की राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, ये धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। तो इन चार राशियों से विवाह होना शुभ नहीं है धनु राशि वालों का। अब मित्रों, हम बात करते हैं बकुट दोष के बारे में। तो बकुट दोष जो है धनु राशि से बात करें तो द्विद्वादश योग आता है। द्विद्वादश योग यानी आपकी राशि से दूसरी राशि जो है वो ये होती है मकर राशि, तो ये मकर राशि आपके लिए शुभ नहीं है। फिर बात करें तो 12वीं राशि, आपकी राशि से 12वीं राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, तो धनु राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि जो है वो शुभ नहीं रहती है। यानी विवाह के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस राशियों के साथ में ग्रह की शत्रुता होती है और जिन राशियों के साथ में बकुट दोष हो रहा है उन राशियों के व्यक्ति के साथ में आपका विवाह जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। जिन राशियों से बकुट दोष होता है उन राशियों से विवाह जो है वो सही नहीं रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे नव पंचम योग के बारे में। तो नव पंचम यानी आपकी राशि से 5वीं राशि, आपकी राशि से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये राशि 5वीं राशि, तो ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। इसके बाद आपकी राशि से 9वीं राशि, तो आपकी राशि से 9वीं राशि होती है सिंह राशि, तो ये सिंह राशि भी आपके लिए शुभ नहीं रहती है। यानी इन दो राशियों वालों के साथ भी आपका विवाह जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद हम बात करें षडाष्टक, षडाष्टक के बारे में हम बात करें यानी आपकी राशि से 6ठी राशि जो होती है और इस राशि से आपकी राशि 8वीं राशि होती है, तो ये राशि जो है आपके लिए शुभ नहीं है। इसके साथ में षडाष्टक योग भी बनता है, ये शत्रु ग्रह की राशि भी है। अब बात करें आपकी राशि से 8वीं राशि, यह आपकी राशि से 8वीं राशि है और इस राशि से आपकी राशि 6ठी राशि हो रही है, तो कर्क राशि जो है वो आपके लिए षडाष्टक योग बनता है, पर इस राशि का स्वामी कौन है? गुरु, और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, इस वजह से इस राशि के साथ में आपका अशुभत्व जो होता है, जो षडाष्टक योग होता है उसका परिहार हो जाता है, तो ये राशि आपके लिए शुभ मानी गई है। यानी कर्क राशि जो है वो आपके लिए शुभ ही रहेगी। इसके बाद मित्रों हम बात करें तो हमने जहाँ पर क्रॉस किया है वे राशि आपके लिए शुभ नहीं है और जहाँ पर हम टिक मार्क कर रहे हैं ये राशियाँ आपके लिए शुभ है। तो विवाह करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि धनु राशि वालों के लिए धनु राशि वाले जातक जो है वो शुभ रहते हैं और
मीन राशि वाले जातक शुभ हैं, कर्क राशि वाले जातक शुभ हैं और कुंभ राशि वाले जातक जो है वो शुभ रहेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है। और मित्रों, अब आपको ज्ञात करना है कि ये जो राशियां हैं, ये राशियां किस व्यक्ति की कौन सी राशि है। तो वीडियो के अंत में आपको एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट के अनुसार आप जान पाएंगे कि 12 नंबर कौन सी राशि है, 12 नंबर के आगे मीन लिखा होगा यानी मीन राशि, और मीन राशि में कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, यानी पहले अक्षर, पहला अक्षर लिखा होता है नाम का पहला अक्षर, तो उस अक्षर से नाम प्रारंभ होता है, तो मतलब वे अक्षर जो है मीन राशि में आते हैं। तो इस तरह से आप जान पाएंगे। अब मित्रों, आपके लिए ये राशियां जो है, अगर इनसे अगर आपका विवाह हो जाता है तो धन संबंधित समस्याएं आपके जीवन में रहेगी, और इन राशियों से विवाह होता है तो संतान उत्पत्ति में समस्याएं आती हैं, बाकी के साथ में अगर विवाह हो जाता है तो वाद विवाद है, विचार मतभेद है इत्यादि समस्याएं जो है आपके जीवन में रहती हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, और ये जानकारी जो है धनु राशि वालों के बारे में थी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।